बारिश की अधिकता लोगों के लिए आफत बनकर आई है, जिसकी वजह से जगह जगह नदी और नाले उफान पर है। ऐसे में नदी पार करने वालों के साथ हादसे होना आम बात है। ऐसा ही वाकया शनिवार को ठिकरी बोराण नदी पार करते समय एक युवती के साथ हुआ। रविवार की सुबह नदी के पास टहलने वाले लोगों ने देखा कि एक युवती की लाश नदी में बहकर आई है और एक पत्थर की टोह से रुकी हुई है। इस पर ग्रामीणों ने थाना ठिकरी को सूचना दी। शिनाख्त करने पर युवती के पति सुनील चौहान ने शिनाख्त करी एवं बताया कि वह एवं उसकी पत्नी सोनूबाई निवासी जूना पानी शनिवार को अपनी पत्नी के साथ बाजार करने आ रहे थे। इसी दौरान ठिकरी की बोराण नदी पार करते समय मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ा और मोटरसाइकिल से नदी में पानी के तेज बहाव में उसकी पत्नी गिर गई। पानी ज़्यादा होने की वजह से उसकी पत्नी पानी में बहकर आगे निकल गई, जिसे बाद में रिश्तेदारों के साथ मिलकर ढूंढा तो नहीं मिली। थाना प्रभारी विनय आर्य ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह एक हादसा लगता है, लेकिन फिर भी इसकी जांच की जाएगी एवं यदि किसी आशंका की जगह रहे तो उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। ठिकरी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। नदी में आज एक लाश मिली है, क्या है मामला? बोराण नदी में एक लाश मिली है। मृतक का नाम सोनूबाई पति सुनील भिलाला उम्र 28 साल निवासी नायगढ़ का है और मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन